वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड की समिट हुई है, कल शाम को ही हुई थी भाई, मीटिंग तो उसके बीच में क्या सिचुएशन निकल के आई है, क्वाड के अंदर क्या हुआ है, आज उसके बारे में वीडियो है। मैं सबसे पहले आपको टाइटल बताऊंगा, हिंदी में टाइटल था तो हमने ट्रांसलेट किया है, वो है रूस यूक्रेन के तनाव को लेकर भारत कल क्वाड देशों के साथ ही भिड़ा, मतलब भिड़ गया उनके साथ। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैरान, मतलब चार देश है जैसा कि आपको पता है क्वाड के, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उनको हैरान कर दिया और उन्हीं क्वाड देशों से ही भिड़ गया रशिया के लिए इंडिया। तो क्या हुआ पहले वीडियो देखेंगे तब भी सही से भाई पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई बोला क्या। मैं जिस तरह कह रहा था काफी टफ मीटिंग हो सकती है, तो क्या बोला, काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। पिछले कल जो क्वाड देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि भारत क्वाड के मंच का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किसी भी हाल में नहीं होने देगा। यानी कि क्वाड में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी जिससे रशिया का नुकसान हो और भारत और रशिया के रिश्तों के ऊपर उसका कोई असर पड़े। यूक्रेन रशिया युद्ध के चलते अमेरिका पिछले 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक वर्चुअल मीटिंग हो, जिसकी मदद से रशिया को एक मैसेज दिया जाए कि भारत समेत क्वाड के सदस्य देश भी रशिया के विरोध में एक साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका के सपने के ऊपर पानी फेर दिया अकेले भारत ने। ये तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों देश बिना कोई सवाल उठाए अमेरिका के पीछे पीछे चलते हैं। अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस थोपे, तो अगले दिन जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध थोपने का ऐलान कर दिया। पिछले कल भी अमेरिका अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा था कि क्वाड की मीटिंग के बाद जो चारों देशों की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है उसमें रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने को मेंशन किया जाए और लिखा जाए कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है। इसके साथ ही रशिया के ऊपर आरोप लगाया जाए कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, ना कोई मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। वैसे जिनको नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीटिंग के बाद जब कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की जाती है उसका मतलब होता है कि मीटिंग में शामिल सभी पार्टीज यानी सभी पक्ष या फिर सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट में कही गई बातों के ऊपर एक ही स्टैंड रखते हैं। अमेरिका चाहता था कि पिछले कल जो क्वाड मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की जाएगी उसमें साफ तौर के ऊपर ये लिखा जाए कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है और यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखाया है। इसके साथ ये भी मेंशन किया जाए कि रशिया यूक्रेन के अंदर सिविलियंस को निशाना बना रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश ये पॉइंट्स ज्वाइंट स्टेटमेंट में डालने के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन सोर्सेज के वाले से खबर निकल कर आ रही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत रशिया के खिलाफ ये दोनों पॉइंट्स ऐड करने के बिल्कुल खिलाफ नजर आया और जो मीटिंग के एंड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की गई उसमें ये बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है या रशिया यूक्रेन के अंदर सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन युद्ध को संबोधित करने के लिए ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। क्वाड में भारत की क्या ताकत है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सामने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ थे, लेकिन भारत भी अपनी इस कंडीशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटा। यानी ये 1-3 का मामला बन गया था, मगर तीनों देश भारत की डिमांड के आगे आखिरकार झुकी गए और क्वाड की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई उसमें यूक्रेन क्राइसिस का तो जिक्र किया गया था, लेकिन इस पूरी ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया का नाम एक बार भी नहीं लिया गया, रशिया का नाम तक मेंशन नहीं किया गया था। आप सोचिए कि कहां पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों देश चाहते थे कि क्वाड देश एक साथ मिलकर रशिया की आलोचना करें, जबकि भारत के प्रेशर के कारण तीनों देश क्वाड मीटिंग की ज्वाइंट स्टेटमेंट से रशिया का नाम तक हटाने के लिए रेडी हो गए थे। यानी यह नए भारत की ताकत। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी एक बार भी नहीं कहा कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है या फिर रशिया के कारण यूक्रेन के सिविलियंस की जान जा रही है या फिर रशिया यूक्रेन के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये भारत के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, जबकि अमेरिका के लिए बड़ी हार, क्योंकि अमेरिका पिछले 2-3 दिनों से क्वाड मीटिंग का आयोजन इसीलिए करना चाहता था ताकि बाकी मंचों की तरह क्वाड के ऊपर भी रशिया की आलोचना की जाए और रशिया को घेरा जाए, जो कि भारत ने होने ही नहीं दिया। भारत का मैसेज बिल्कुल साफ है, क्वाड के मंच का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना और इंडो पैसिफिक के अफेयर्स के लिए किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि जब वेस्टर्न देश ये सारे के सारे रशिया के खिलाफ हैं, तो उस कंडीशन में रशिया को सपोर्ट करके भारत सही कर रहा है? हाँ, सही कर रहा है। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये कहते हैं भाई पावर, इसको पावर बोलते हैं। वो जो भी हो जाए, एक
सारे जो भी कर लें, लेकिन एक देश इंडिया ऐसा है ना खड़ा हुआ अकेले, वो कहता ना तो ना, ना कुछ भी नहीं कर। और उन्होंने जिस तरह बताया ना भाई ने कि जिस तरह देखो एक स्टेटमेंट दी जाती है, मतलब सारे पूरे मीडिया जब तक चारों सहमत होते हैं ना, सहमत ना, तब आपको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया जापान कितने बड़े चमचे, बिल्कुल चमचे इसमें यार। ये बेशक ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है वो चमचे जो बोलता है, मतलब इंडिया ने आज तक किसी कंट्री की चमचागिरी नहीं की, नहीं की। बेशक रशिया वो हो, बेशक अमेरिका हो, इंडिया ने आज तक किसी के आगे वो मतलब कहते हैं ना चापलूसी नहीं की किसी का चमचागिरी। देखो इंडिया ने अगर उस मंच में देखो, इंडिया हमेशा अपना करता है, इंडिया लगा लो देखो इंडिया ने लोग पता क्या बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे अब इंडिया क्या स्टेटमेंट देगा, अब ऑस्ट्रेलिया रशिया के खिलाफ चला जाएगा इंडिया और ये वो। इंडिया ने हर मंच पर उनको बताया कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी देश के साथ। अमेरिका ने बहुत बड़ी कोशिश की होगी, ऐसे अमेरिका को याद नहीं आता इंडिया की, जब ऐसे मौके आते तब इंडिया में। एक और बात तो मैं बताऊँ, उसने देखा ना जब यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया कुछ भी नहीं बोला, उसने कहा कि अमेरिका की ये चाल है, ये सारी चाल अमेरिका कर रहा है। उसने कहा कि क्वाड की मीटिंग बुलाते हैं, उसे पता था दो दो मेरे साथ देंगे। उसने कहा कि चलो हम स्टेटमेंट दे देंगे इसमें, जब इंडिया को घेर लेंगे, हम घेर लेंगे और रशिया नाराज हो जाएगा, हम कुछ भी करेंगे, हम इंडिया को बीच में तीन देश मिल के घेर लेंगे और इंडिया घेरा जाएगा। स्टेटमेंट ही नहीं देनी थी उसको उसके बारे में कि उसे रशियन इन्वेड किया, इसको पावर भाई है। ये मैं कहता हूँ इंडिया का पावर है। इधर मैं पहले मैं इतना नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन आज मैं कहता हूँ भाई कि ये पावर है। इस तरह आप किसी इन देशों की आंखों में आंखें डाल के देखा है और रशिया का कैसे साथ दिया। मैं कहता हूँ अब रशिया ऐसा मुल्क है ना यार, दोस्तों के साथ वो ऐसे चलता है जिसकी याद है रशिया, मतलब एक किस्म का रशिया इस तरह अब वो इंडिया के साथ करेगा जैसे दूसरा भाई नहीं होता भाई। मैं कहता हूँ अब चाइना से ज्यादा अब इंडिया के साथ लेकिन इंडिया हर मंच पर उसका साथ दे रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। ये चीज अब रशिया, और मैं जो भाई ने पूछा ना कि उसने अच्छा किया कि नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया क्योंकि सब लोगों ने देख लिया। देखो जब मुश्किल टाइम आती है ना तो अमेरिका और ये सारे देश कैसे यूक्रेन से पीछे हट गए हैं। इस तरह अब इंडिया को पता चल गया अब अमेरिका किस तरह, अब अमेरिका किस तरह कर सकता है ये इंडिया को पता है। ये इस तरह मीटिंग रुकवाई है, मैं कहता हूँ शेर वाला काम किया है, बिल्कुल रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है सीरियसली। इसमें कोई पावर दिखाई है अपना, बिल्कुल आपका क्या कहना है गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।